श्री राम मंदिर निर्माण महासमर्पण अभियान को लेकर निकाली जनजागरण वाहन रैली। राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान के तहत शुक्रवार को एक जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। मुख्य विभाग सह संपर्क प्रमुख अखिलेश कटियार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैकड़ों की तादाद में लोग बाइक पर सवार होकर पहुंचे। शुक्रवार की दोपहर 1 बजे रैली सीताराम मंदिर परिसर से शुरू होकर पुराना अछलदा बोड़ेपुर नेविलगंज होते हुए समापन सीताराम मंदिर परिसर में हुई, जिसमें हिंदू संगठनों के लोग डीजे पर भक्ति गीतों की धुनों पर आगे चलते नजर आ रहे थे। साथ में पीछे हिंदू संगठन के लोगों का काफिला चल रहा था। अनेकों स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा करके रैली का स्वागत किया। विभाग सह संपर्क प्रमुख अखिलेश कटियार ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद अब 18 जनवरी को राम भक्तों की टोली सभी के द्वार पर पहुंचेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सेंगर, खंड कार्यवाह हिमांशु श्यामू शुक्ला, बीपी ठाकुर, मनीष कुमार, अर्पित पोरवाल, सौरभ ठाकुर, हिंदू संगठन व भाजपा के अनेकों पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता दीपचंद्र की खास रिपोर्ट। आज जो आप लोगों के द्वारा जो ये राम रैली निकाली गई है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य था राम जन्मभूमि मंदिर का जो है अभियान है, इसके निर्माण समिति के अभियान है। तो इसमें क्या हुआ, जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आए और हमारे यानी मंदिर का निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि प्रदान करें।